पतंजलि मार के ये जाएगा पक्का, जल्दी कूद के भाग जा, देखना रुक के जा। तो यार पतंजलि लेने तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरा एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं आपको ये जो बीआरओ जो काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये इनका जो मेन काम होता है वो ये काम होता है कि जैसे कि स्लाइड आ रहा है ना, देख आप देख रहे हैं कि पत्थर कितना गिर रहा है, पानी गिर रहा है यहाँ पे, तो उसको हटाने का ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही काम होता है, जिसको बीआरओ के नाम से और ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये भी एक आर्मी का ही हिस्सा है। मैंने इसमें आपको पहले भी पिछली कुछ वीडियो में बताया भी था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आवागमन यहाँ का बंद हो चुका है, जैसे पीछे देख रहे हो सामने गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, तो यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इसको हटाने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आगे आता है और बीआरओ, जो इसको बीआरओ भी कहा जाता है, बीआरओ यहाँ पर आएगा और यहाँ पे इसको रास्ता क्लियर करके देगा, क्योंकि आर्मी की गाड़ी भी यहाँ से काफ़ी निकलती रहती हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर चाइना बॉर्डर भी कुछ पास में ही है, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से आपको चाइना बॉर्डर देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो दोस्तों ये जेसीबी आया हुआ है, इसको मलबा ये पूरा हटा रहे हैं, रास्ता क्लियर करके देना होता है, तो ये रास्ता क्लियर करके देंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना हार्ड वर्क होता है यहाँ पे, ऊपर से कोई भी पत्थर आ सकता है। इससे पहले बहुत तकड़ा पत्थर आकर के नीचे गिर गया था, तो जेसीबी से थोड़ा सा आगे ही गिरा था। अगर जेसीबी के एक मीटर पीछे और गिर जाता तो समझ लेना था कि जेसीबी भी नीचे उसके साथ में जा सकती थी दोस्तों। ये पूरा कितना मलबा हटाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, जो नदी के उस पार दिखाई दे रहा है ये कुछ हिस्सा, ये चाइना के अंडर में आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सामने उस नदी के पार में। तो ये बॉर्डर है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। जगह का नाम तो दोस्तों मैं नहीं बताऊँगा, कमेंट्स करके भी प्लीज़ कभी मत पता करना कि मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि ये लोकेशन है कहाँ की एग्जैक्ट की। तो दोस्तों ये देखो उधर की तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं कुछ, यहाँ पर हमारे बीआरओ के कुछ जवान भी हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, और यहाँ पर मलबा पूरा हटा रहे हैं। कितने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर गए थे, यहाँ पर पेड़ भी नीचे गिरे हुए थे, उसको हटाने का जो है काम ये बीआरओ ने लिया है, और ये हटा करके पूरा रास्ता क्लियर करके दिया है। अभी गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई हैं, इंतज़ार कर रही थी उनको, गाड़ियों को निकलने का कुछ टाइम दिया गया है कि गाड़ियाँ निकाल करके जिससे कि लेके चले जाएँ वो दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे बुलेरो आ रही है, और ये देखो पानी कितनी तेज़ गिर रहा है, ऊपर से एकदम से लेकर के जाना पड़ रहा है, कोई बड़ा पत्थर ना आ जाए जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है, आप देख रहे हैं। और देखो पीछे ये 800 कार भी आ रही है, जिसको पहाड़ी की रानी भी कहा जाता है, ये पहाड़ों की जो रानी होती है। देखो दोस्तों पहिए इसके फंसने वाले थे तो पर कोई नहीं, निकल गई है। तो आप देख सकते हैं तो कितना हार्ड वर्क होता है यहाँ पर बीआरओ का। ऐसे ही कितने यहाँ पर पहाड़ स्लाइड आ जाता है पहाड़ों के बीच में बारिश के होने से, क्योंकि बारिश काफ़ी दिन से यहाँ पर पड़ रही थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कितना हार्ड वर्क होता है, यहाँ से पूरा पहाड़ खिसक करके नीचे आ रहा है धीरे 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 धीरे, और यहाँ पर कितने बड़े बड़े पत्थर थे जो कि हटाया है बीआरओ ने। और आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी आएगी, इसको पास करेंगे अभी, उसके बाद में फिर जेसीबी लगा करके पूरा मलबा हटाया जाएगा। तो दोस्तों कितना ये देख सकते हैं कितना रिस्की काम है यहाँ पर, कितना अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अनहोनी हो जाए, टायर स्लिप हो जाए तो नीचे भी जा सकती है, खाई में नीचे जा कर के गिर सकती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सौंदर्य तो काफ़ी अच्छा लगता है, प्राकृतिक दृश्य है इसको बोला जाता है। तो ये कुछ दोस्त है हमारे की जो अभी पार करना चाह रहे हैं इसको, भागो अभी रुका है। देखो दोस्तों ये पार कर रहे हैं भाग करके, क्योंकि अगर पत्थर नीचे अगर गिर जाए तो पैर भी टूट सकता है उससे, इतना हार्ड वर्क होता है। तो अगर ये मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।